भारत कॉलोनी में बाबा अंबेडकर साहब भवन की जमीन पर कब्जा करने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने विधायक नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर जमीन को भू माफियाओं से छुड़वाने की मांग की है। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने जनता को आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही इसका स्टेटस पता करवाकर जमीन को कब्जे से छुड़वाकर उनको सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने उन्हें बाबा अंबेडकर भवन बनाने के लिए जमीन दी हुई है और 50 लाख रुपए की राशि भी भवन बनाने के लिए आमंत्रित की गई, लेकिन भू माफियाओं ने उन पर कब्जा किया हुआ है, जिसकी वजह से अंबेडकर भवन नहीं बन पा रहा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब किसी एक समाज के नहीं बल्कि सभी समाजों को साथ लेकर चलने वाले थे। वहीं विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि लोगों ने उनको ज्ञापन सौंपा है और जल्दी इस स्टेटस पता करवाकर निगम के अधिकारियों से इस जमीन पर कार्रवाई कर उसे छुड़वाया जाएगा और अगर मामला सही पाया गया तो लोगों को जमीन सौंप दी जाएगी। दलित समाज के लोग आए हैं भारत कॉलोनी से, मेरी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, उसमें सरकार की कुछ जमीन है, उस पर कुछ लोगों ने उस पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, इनका कहना है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि अगले हफ्ते में उसका स्टेटस पता करके, अगर वो स्टेटस कोई कोर्ट का स्टे नहीं होगा तो उसका कब्जा सरकार लेगी, और कब्जा सरकार लेके उस पर प्लानिंग अंबेडकर भवन की हुई है। उस अंबेडकर भवन अगर सरकार ने प्लानिंग की हुई है तो निश्चित रूप से, क्योंकि सरकारी ज़मीनों की प्लानिंग होती है, प्लानिंग डिपार्टमेंट से बात करके जो भी प्लानिंग होगी उस पर उसका कार्यरूप दिया जाएगा। फरीदाबाद से राजेंद्र दैया की रिपोर्ट।